हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने चैनल का बैनर कैसे बना सकते हैं, बैनर या फिर उसको चैनल आर्ट भी बोला जाता है। तो कैसे बनाते हैं अपने अपने फोन से, अपने मोबाइल से कैसे बनाना है आपको अपने चैनल के लिए बैनर आर्ट, और प्रोफेशनल बैनर आपको बनाने के लिए मैं सिखाऊंगा आज इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत ही छोटा होगा और मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, ज़्यादा कुछ तामझाम करने के लिए नहीं बताऊंगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आपको जो भी नॉलेज मैं दूँ या फिर जो भी बताऊँ आपको शॉर्टकट में बताऊँ, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। यूट्यूब से रिलेटेड इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो अभी मैं अपने मॉल के स्क्रीन पे जाने वाला हूँ और जाके आपको मैं समझाने वाला हूँ कि कैसे अपने चैनल बैनर को, अपने चैनल के बैनर को बना सकते हैं या फिर चैनल आर्ट को बना सकते हैं। तो चलिए अपने स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। आ चुका हूँ अभी अपने मॉल के स्क्रीन पे और सीधा चलते हैं अपना पिक्सल आर्ट पे या पिक्सल लैब पे। सबसे पहले आपको जाना है पिक्सल लैब पे। पिक्सल लैब पे जाने के बाद आपको पिक्सल लैब पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि देखिए, ये मेरा जो है पहले का चैनल बैनर बनाया हुआ, मैं इस तरह का अपना चैनल का बैनर बना चुका हूँ, लेकिन अभी आपको ये बनाया कैसे मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो चलिए शुरू से अपना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने जितना भी था उसको सबको डिलीट मार दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना है थ्री डॉट पर जाने के बाद यहाँ पर इमेज साइज में जाना है। इमेज साइज में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ होगा YouTube थंबनेल, YouTube चैनल बैनर। तो YouTube चैनल बैनर पे आपको क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रॉम गैलरी में जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपका जो भी मतलब कि आपके गैलरी में फ़ोटो होगा वो फ़ोटो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपना एक इमेज डाउनलोड कर लेना है, मतलब यो गूगल से मिल जाएगा आपको। वहाँ पे से जाके आपको अपना इमेज डाउनलोड कर लेना है, जैसा भी कलर का आपको चाहिए वैसा भी कलर का आप डाउनलोड कर सकते हैं इमेज। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, यानी अपने स्क्रीन के साइज के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हैं फॉलो ऑन फेसबुक, फॉलो ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, ये तीनों चीज़ का नीचे में आपको पहले से ही ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लोगो लगाना है आपको, या फिर यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि कलर अगर इसका चेंज करना है आपको, तो कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह का कलर हो गया। और भी कोई दूसरा कलर डालना चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं, अलग अलग टाइप का कलर आप बना सकते हैं यहाँ पर से। ये देखिए, ये मैंने कलर चेंज कर दिया, उसका पहले का जो कलर था वो कलर मेरा चेंज हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, फिर से फ्रॉम प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और गैलरी पर जाना है। गैलरी में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको PNG जो होगा आपके ट्विटर का, वो ट्विटर को PNG आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। PNG सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको इरेज पे क्लिक करना है। इरेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ कम ज़्यादा करने के लिए मिलता है। यहाँ पे ऐसा कम ज़्यादा करके आप पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आप इसको पूरा हटा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब इसको क्या करना है कि यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर लेना है। तो छोटा करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। जहाँ पे ट्विटर लिखा हुआ है ट्विटर के पास आपको ट्विटर का सेलेक्ट कर लेना है। फिर से आपको वहीं पे जाना है, उसी तरीके से आपको फेसबुक का ले लेना है या फिर इंस्टाग्राम का। मैं फेसबुक का भी ले लेता हूँ, इंस्टाग्राम का भी मुझे लेना पड़ेगा। इसको भी सेम सिंपल ही जैसा मैंने आपको बताया अभी, वैसा ही इसको भी करना है। एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे पीछे का आपका हिल रहा है तो यहाँ पर आप यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, इसको लॉक कर लेना है। ये लॉक हो गया, ये लॉक हो गया। अब ये पीछे का जो ये है ये हिलेगा नहीं। अब इसको क्या करना है, अभी हमको उसको भी PNG चेंज करना है, मतलब स्क्रीन करना है। तो स्क्रीन करने के लिए फिर से वहीं पे इरेज पे जाना है और इसको यहाँ पे कर लेना, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना है इसको, जैसा कि कलर मैच हो जाए और पता ना चले। और इसको भी उठा के यहीं पर डाल देना है आपको फेसबुक। ये देखिए इस तरह से फेसबुक डाल दिया। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको तो इस तरह से आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का भी डाल देना है। ये तीनों को मैंने लगा लिया। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है।
टेक्स्ट लिखने के लिए आपको यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद टेक्स्ट लिख लेना है। टेक्स्ट लिखने में आप जैसा भी चाहें वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता अपने तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख लिया अपने भाई को फॉलो करो। अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको इसका जो लिखा है आपने टेक्स्ट लिखे हैं, टेक्स्ट में आपको कलर डालना है। कलर डालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे कलर पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोई ऐसा भी आपको जो अच्छा लगता है वो कलर यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने ब्लैक रखा है और आपको जैसा अच्छा लगे वो भी रख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको फ़ॉन्ट पे जाना है, फ़ॉन्ट को भी आपको चेंज कर लेना है। अगर इस सब में से फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो माय फ़ॉन्ट पे भी क्लिक करके आप जो डाउनलोड करके रखे होंगे वो भी डाल सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है कि माय फ़ॉन्ट कैसे डाउनलोड करेंगे PNG इसमें पिक्सल लैब में, तो वो आपके लिए वीडियो में बना दूंगा, कमेंट करना मैं आपके लिए बना दूंगा। यहाँ पे मैं 3 ही डाउनलोड करके रखा हूँ, इसमें से जो अच्छा लगता है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे फर्स्ट वाला अच्छा लग रहा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे शैडो वगैरह दे देना है इस तरह से, ये ज़्यादा है तो इसको हल्का कम कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, इसको भी थोड़ा सा इनेबल कर लीजिए। तो इस तरह से करने के बाद क्या है, ये देखिए थोड़ा अच्छा लगने लगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब अपना फ़ोटो डालना है आपको। तो चलिए हम अपना फ़ोटो डाल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना फ़ोटो डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, अपने फ़ोटो पे भी थोड़ा सा शैडो कर देना है। यहाँ देखिए इस तरह से शैडो कर देना और कलर थोड़ा चेंज कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए ज़्यादा भी इसको नहीं करना है, डीप हल्का करना है तो अच्छा लगेगा देखने में। और इसको भी इस तरह से ब्लैक में है तो इसको भी कोई कलर डाल दीजिए, देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको फिर से यहाँ पे एक YouTube का लोगो डाल देना है। तो चलिए हम अपना YouTube, तो ये देख सकते हैं YouTube लोगो भी मैं उठा के लेके आ गया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे YouTube लोगो भी मैं डालने वाला हूँ। तो इस तरह से आपको YouTube लोगो भी थोड़ा छोटा कर लेना है और इस पर भी आपको शैडो वगैरह डाल देना है। तो चलिए शैडो मैं डाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से ब्लैक है तो ब्लैक सही रहेगा, जैसा भी कलर आपको अच्छा लगे, ब्लैक अच्छा लग रहा है तो ब्लैक ही डाल दीजिए। उसके बाद आउटडोर इसको डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको क्लिक करना है और यहाँ पे डुप्लीकेट पे आपको फिर से क्लिक कर लेना है ताकि आपको दो टो ऐसा सेम लगे देखने में। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तो इस तरह से आप चैनल बैनर बना सकते हैं। तो ये मेरा जो बैनर है, चैनल का बैनर या चैनल आर्ट जो भी बोल सकते हैं, ये मेरा कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद अगर और भी कुछ यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्ट्रा पे कर लेना। अल्ट्रा पे करने में सेव टू गैलरी पे कर लेना, बस हो गया, ये आपका जो गैलरी में सेव हो गया। उसके बाद आपको अपने YouTube चैनल पर जाके आपको अपलोड कर देना। अपलोड कैसे करना है उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आता है तो YouTube पे जाके आप सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो में बना दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।